प्लेनरी सेशन में एंट्री कर रहा था तो मेरे बहुत से कार्यकर्ताओं को, स्पोक्स पर्सन को और भी नेताओं को बीजेपी की सरकार उनको हरासमेंट कर रही है और खास करके हमारे स्पोक्स पर्सन हमारे पवन खेरा जी को अरेस्ट करके वो भी आसाम की पुलिस आकर उनको अरेस्ट करे, लेकिन कानून में वैसा कोई प्राविधान नहीं है। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दी और एक तमाचा उनके ऊपर गिरा। ऐसे इंसिडेंट जो फजूल जनता को भड़काने का काम ये जो बीजेपी सरकार कर रही है इसका मैं खंडन करता हूँ और ऐसी चीज़ें डेमोक्रेसी में नहीं होना चाहिए। हम जब पार्लियामेंट के अंदर बोलना चाहते हैं तो भी ये लोग हमको बोलने नहीं देते, जब हम अपनी बात बाहर रखना चाहते हैं तो उस वक्त भी बोलना चाहते हैं हमको बोलने नहीं देते। इस देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच को, आज़ादी को ख़त्म करने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं और इनके हाथ में डेमोक्रेसी और संविधान सुरक्षित नहीं है। इसीलिए और एक बार ऐसे लोगों के कार्रवाई के खिलाफ मैं कंडम करता हूँ। और दूसरी चीज़, जब हमारा यहाँ पर प्लेनरी सेशन हो रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर, हमारे नेताओं के ऊपर ईडी की छापे, इनकम टैक्स के छापे, ऐसा कभी हुआ है? वो लोग भी कहीं अधिवेशन किए हैं लेकिन कभी आपने सुना है उनको किसी ने धक्का लगाया, किसी ने उनको पूछा? लेकिन यहाँ हमारे इस प्लेनरी सेशन को